भागलपुर कचहरी चौक स्थित एक स्थानीय होटल में सामवेद ने सामुदायिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 5 प्रखंड के 800 परिवारों के बीच कोविड अनुरूप व्यवहार और लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर परिवार को बताने का काम किया गया। वहीं 8 गांव से वहां के शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिज्ञ को बुलाकर उनके गांव में चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हो रही परेशानियों को जानकर योजना चलाने वाली विभाग में समन्वय कर उन्हें जानकारी दी गई, जिससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना धरातल पर सही से उतर सके। वहीं इसको लेकर 8 गांव के प्रतिनिधि आकर कल्याणकारी योजनाओं में हो रही समस्या को भी बताए। कभी भी बिशनपुर जिच्छो चले जाए, गांधी के बदनाम होते हैं। आपसे आपने जानकारी दी और तो आया वो बहुत बेचैन हुए। ये जो कार्यक्रम है वो संवेद कर रही है यूनिसेफ और प्रैक्सिस कलेक्ट के सहयोग से। तो जैसा कि हम बता दें कि हम लोग यहाँ भागलपुर में 5 प्रखंड के 8 गांव और कुल 800 परिवार के बीच जो कोविड अनुरूप व्यवहार है और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक जो लोगों की पहुंच है उसको पहुंच बनाने में सहयोग का काम कर रहे हैं। तो उन 800 परिवारों से हम लोग जो है उस समुदाय से हम लोगों ने जनप्रतिनिधि को, शिक्षकों को और वहाँ के महत्वपूर्ण लोगों को, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भी इस 8 गांव में सर्वे हुआ था और जो भी मुद्दे निकल के आए थे उस मुद्दे को एड्रेस करना कि उस मुद्दे की पहुंच वहां तक क्यों नहीं है। तो हम लोगों ने अलग अलग विभाग से समन्वय स्थापित किया है और लोगों को बुला